क्या नाम है भाई? मोहन नाव टिकेश्वर कुमार निषाद और मैं हाँ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना युवा जिला अध्यक्ष रायपुर के। अच्छा, युवा जिला अध्यक्ष हो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। जी, आज यहाँ किस लिए उपस्थित हुए? आज हम हसदेव बचाओ बस्तर बचाओ हमार सबो आदिवासी भाई बहनी मन आ है तेकर समर्थन में आहन। जैसे हसदेव को लेके आपकी पार्टी जो है लगातार प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है, कहाँ तक सरकार के ऊपर इसका असर पड़ा है? सरकार अलग दिखावत नहीं है न कोई, मतलब कोई प्रकार के ध्यान नहीं देवा सरकार में। और जैसे कि अपन डाला था सोशल मीडिया में तो वो गिने चुने मीडिया प्रभारी मीडिया वाला मन भैया मन डाला थे कोई, और राष्ट्रीय मीडिया मन है कोई नहीं डाला थे। मतलब दबाया जावा था, मतलब मीडिया इसको दबा रही है, प्रमुखता के साथ उठा नहीं रही इस मुद्दे को। मीडिया जो लोकल मीडिया है वो तो बतावा थे, लेकिन जो राष्ट्रीय लेवल के मीडिया है वो कोई बतात नहीं है। जैसे कि बाहर में हो ही ये चीज़ है तो जरूर पूरा शेयर हो जी छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के मामला है लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर ही नहीं जावा थे ढंग से। असल मुद्दा ये है। हाँ, और अभी तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी मन सूते हवा कोई, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी मन सूते हवा, ये मुद्दा लग कोई उठाना नहीं चाहत हवा। जैसे आपके प्रदेश के मुखिया भी इस समय आदिवासी हैं, तो क्या लग रहा है कि अब आदिवासियों के हित में कुछ फैसले लिए जाएंगे? हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना डहन ले अभी बहुत बड़े मानव श्रृंखला निकाले जा, मानव श्रृंखला ले रही जो कि महादेव घाट से विधानसभा तक जाबो और हमारे हसदेव बचाओ कार्यक्रम आंदोलन ल करबो। अच्छा, हसदेव के लिए कब है ये योजना, कब करेंगे आप लोग? 10 तारीख है। हाँ, अच्छा, 10 मार्च को। 10 मार्च को। जोहार छत्तीसगढ़, मोन नाम योगेश साहू है। अच्छा, आप भी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना रायपुर जिला महामंत्री। अच्छा, महामंत्री है। क्या लग रहा है कि अब आज के बाद जैसे एक दिवसीय आंदोलन है, आदिवासियों के हित में कुछ फैसला उसका लिया जाएगा? ये तो अभी दोनों सरकार सूते आवे, कुछ बोलत बालत भी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना साथ में चली तो हो ही है। लगातार छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना जैसे प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को, हसदेव हो गया आदिवासियों के हित में और जो भी उनकी मांगे हैं, लगातार कवर करने का हर संभव प्रयास कर रही है और मतलब समर्थन अपना पूर्ण समर्थन दे रही है। हर मंच में मैं देख पाता हूँ कि आपके जो पार्टी के मुखिया हैं वो छत्तीसगढ़ी क्रांति छत्तीसगढ़ी सेना के साथ, जो भी छत्तीसगढ़ी का समाज है, जो भी उनकी मांगे हैं उनके साथ वो दिख जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि जैसे आप लोग हमेशा साथ में हैं तो किस तरीके से और आगे साथ निभाएंगे? हाँ मैं ना अभी निभाओ ना भाई, जो 10 तारीख के हमारे कार्यक्रम हमें ना वहाँ पूरा प्रदेश है पूरा देखी। हाँ, बड़ा व्यापक आंदोलन होने, पूरा पूरा प्रदेश भर आंदोलन होने वाला है। अच्छा, हाँ, क्या मुद्दा रहेगा वो? ये वहाँ महादेव घाट से जो चालू हुई थे विधानसभा तक पूरा पहुँची। अच्छा, मानव श्रृंखला के रूप। हाँ, मांग क्या रहेगी, क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा? एक और मांग रही हसदेव बचा, प्रमुख मुद्दा हसदेव रहेगा। हाँ, आपका क्या नाम है? मैं मनोज कुमार साहू, छत्तीसगढ़ युवा क्रांति सेना सह संयोजक। सह संयोजक युवा क्रांति सेना। आज यहाँ किस लिए आप लोग उपस्थित? हम यहाँ पे आहन अपन हसदेव बचाव पर, बस्तर बचाव पर। आज जैसे शासन प्रशासन है लगातार, चाहे वो भाजपा के सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ये मुद्दा उठावत नहीं है। वो मुद्दा हम लगातार 4 साल से मुद्दा उठावत हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आदिवासी समाज से मिल के, ओकरे पर आज समर्थन कर रहा हूँ। और 10 तारीख को हमर मन के हसदेव बचाव के एक महा आंदोलन भी है जेमा मानव श्रृंखला है। आपके वीडियो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, सब जन यहाँ ऐसे कोई नहीं, सिर्फ क्रांति सेना आदिवासी समाज, सब समाज जो है अपना पर्यावरण वो है प्रेमी है ते सब चीज़ आ सकते हैं। सब मानव श्रृंखला है 10 तारीख के 10 मार्च ले महादेव घाट ले अपन विधानसभा। कहाँ कहाँ से लोगों की आने की संभावना है? ऐसे तो हमारे मन के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश में आई 90 जितना विधानसभा वहाँ से आई, और अगर बावजूद भी हम हर पार्टी ला आह्वान करत हन कि आके श्रृंखला को बचाने के बचाए बार, प्रमुख मुद्दा हसदेव रहे, हसदेव बचाए बार।